गुड मॉर्निंग किड्स, टुडे अवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, बुक नंबर 2। ओपन योर बुक, पेज नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स। क्या सीखना है आज हमें? पैटर्न्स, स्मॉल लेटर सीखेंगे ना अभी। हमें उससे पहले हमें पैटर्न सीखनी है, ट्रेस एंड ड्रॉ द पैटर्न्स। अभी आप आपकी टेक्स्ट बुक में मेरे साथ में करो ट्रेस, एक ग्रीन डॉट है ना, वहां से स्टार्ट करो। कौन सी पैटर्न है? जिगजैग पैटर्न। कौन सी पैटर्न? जिगजैग पैटर्न, ये है ना ग्रीन डॉट, वहां से स्टार्ट करो, वहां से रेड डॉट तक जाना है। हाँ, अभी ट्रेस किया, अभी अपने आप करना है, ब्लू लाइन के अंदर ही करना है। ग्रीन डॉट है ना, वहां पे पेंसिल टच करो, वहां से ब्लू लाइन के अंदर ही ऐसे पेंसिल उठानी नहीं है और ये रेड डॉट तक फिनिश करना है। आप भी मेरे साथ में ही करना है किड्स, आपकी टेक्स्ट बुक में ग्रीन डॉट है ना, वहां से स्टार्ट करना है और रेड डॉट है वहां पे फिनिश करना है। ग्रीन डॉट है वहां से स्टार्ट करो, पेंसिल उठानी नहीं है, ब्लू लाइन के अंदर ही लिखना है। स्मॉल लेटर होते हैं वो हम कौन सी लाइन में लिखते हैं? ब्लू लाइन में। कौन सी पैटर्न सीख रहे हैं आज हम? जिगजैग पैटर्न। एक ग्रीन डॉट है ना, वहां से स्टार्ट करो और ये रेड डॉट है वहां पे फिनिश करना है। अप डाउन अप, ग्रीन डॉट है वहां पे करो। मैम ने स्लैंटिंग लाइन बनाना सीखा है ना, ऐसे करना है अप डाउन अप। देखो अभी ये पैटर्न न्यू है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ए अप थी और ए डाउन करना है ऐसे। तो अभी आप मेरे साथ में आपकी टेक्स्ट बुक में करना है। एक ग्रीन डॉट है ना, वहां से स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे अप दिया है ना डॉट, यहाँ पे नीचे दिया है ब्लू लाइन में, है ना, तो नीचे से स्टार्ट करने का और ये रेड डॉट है वहां पे फिनिश करने का। वो अप करना था और इसमें क्या करना है? डाउन। पैटर्न तो कौन सी है? जिगजैग ही है, पर अप एंड डाउन करना है आपको। ग्रीन डॉट से स्टार्ट करना है, यहां से ब्लू लाइन के अंदर पेंसिल उठाए बिना रेड डॉट पे फिनिश करना है। आप मेरे साथ में आपकी टेक्स्ट बुक बना में पैटर्न करनी है। हाँ, मेरे साथ में अभी सेकंड पेज, ट्रेस एंड ड्रॉ द कर्व लाइन। ओके, कर्व सिखा है ना मैम ने? मैम ने अभी आपको क्या करना है? ब्लू लाइन के अंदर ओनली वन ऐसे अप एंड डाउन कर्व है, है ना ग्रीन डॉट, वहां से स्टार्ट करो और ये रेड डॉट है वहां पे फिनिश करना है ऐसे। ट्रेस करो मेरे साथ में, वेरी गुड, अप एंड डाउन कर्व। कौन सी पैटर्न सीख रहे हैं हम? कर्व लाइन। ये ब्लू लाइन के अंदर देखो ये ग्रीन डॉट है, वहां से स्टार्ट करो कर्व बनाना, डाउन आके ऐसे रेड डॉट तक अप जाना है। ब्लू लाइन के अंदर ही करना कर्व बनाना, मैम ने सिखाया है ना आपको कैपिटल लेटर, जब मैम ने सिखवाए तब सिखवाया था ना कर्व बनाना, ब्लू लाइन के अंदर ही करना, ग्रीन डॉट है वहां से स्टार्ट करके रेड डॉट है वहां पे फिनिश करना, स्टैंडिंग लाइन करके डाउन करके ऐसे अप जाना है। ब्लू लाइन के अंदर ही लिखना है किड्स। कौन सी पैटर्न है? कर्व लाइन। कौन सी पैटर्न? कर्व लाइन। ब्लू लाइन के अंदर ही लिखना है किड्स। अभी देखो ये अप कर्व था, ये डाउन कर्व है। ओके, तो वो भी ब्लू लाइन के अंदर ही करना है आपको। पहले सबसे पहले आप ट्रेस कर दो ऐसे, ये ग्रीन डॉट है ना, वहां से स्टार्ट करो और रेड डॉट तक फिनिश करो। इसमें देखो डॉट नीचे दिए है, वहां से स्टार्ट करना है आपको,
रेड ग्रीन डॉट से रेड डॉट तक। आप मेरे साथ पे आपकी टेक्स्ट बुक में करना। देखो ये ब्लू लाइन के अंदर नीचे देखो ग्रीन डॉट दिया है ना, वहाँ पे पेंसिल ऐसे टच करके स्टैंडिंग लाइन करके ऐसे डाउन आओ और रेड डॉट तक फिनिश करना है आपको। अभी अपने आप करो, हाँ ब्लू लाइन के अंदर ही लिखना। कौन सी पैटर्न सीख रहे हैं आज हम? कर्व लाइन। स्मॉल लेटर सीखने हैं ना हमें, तो वो ब्लू लाइन के अंदर ही करने पड़ेंगे। स्मॉल लेटर ग्रीन डॉट से रेड डॉट तक। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ना डॉट, ग्रीन डॉट है वहां से स्टार्ट करो और ऐसे डाउन स्टैंडिंग लाइन करके डाउन आओ ऐसे ग्रीन डॉट से रेड डॉट तक। कर्व लाइन, कौन सी पैटर्न? कर्व लाइन। कर्व लाइन ये क्या था हमारा? क्लास वर्क पेज नंबर 9। वो क्या है आपका? होमवर्क। जिगजैग पैटर्न मैम ने सिखाई ना, वो आपको होमवर्क में करनी है। और पेज नंबर 11 वो भी क्या है आपका? होमवर्क। कर्व लाइन सिखाई ना, वो भी आपको होमवर्क में करना है। टेक केयर, बाय किड्स।